गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ वंडरलैंड पब्लिक स्कूल। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 12, इसका नाम है ग्रोइंग प्लांट्स। देखिए इसमें आगे क्या हमारे पास आगे है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, मतलब सीड का डिस्पर्स होना, मतलब फैल जाना। प्लांट्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, प्लांट्स अपने पैरों पर थोड़ी चल सकते हैं। जैसे हम लोग हमारे पैरों पर चल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, वैसे प्लांट नहीं कर सकते। सो नेचर हैज डेवलप वेज टू स्कैटर देयर सीड्स, तो नेचर ने उनके सीड्स को फैलाने का एक तरीका ढूंढा। क्या तरीका है? द स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, एक प्लांट से उसके सीड का दूसरी जगह पर फैल जाना, ये कहलाता है डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड्स आर डिस्पर्स बाय एजेंट्स, सीड्स को कुछ एजेंट्स की मदद से डिस्पर्स होते हैं, जैसे विंड हो गई, वाटर हो गई, बर्ड हो गई, इंसेक्ट एंड एनिमल। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, और इन्हीं सब को आप लोग एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल नाम से जानते हैं। विंड, सम सीड्स आर लाइट एंड हैव स्पेशल टफ्ट ऑफ हेयर और विंग्स दैट हेल्प देम टू बी कैरिड अवे बाय द विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सबसे पहले इसमें अपन पढ़ते हैं विंड के बारे में। देखो कुछ ऐसे होते हैं, आपको राइट साइड दिख रहा है एक पिंक कलर का स्ट्रक्चर, सीड कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बाल जैसे बहुत, जो बहुत हल्के होते हैं, जैसे ही हवा आती तो हवा के साथ उड़कर चले जाते हैं। वही बता रखा है, सम सीड्स आर लाइट, बहुत सारे सीड बहुत हल्के होते हैं, एंड है स्पेशल टफ्ट ऑफ हेयर, उनके पास एक हेयर का गुच्छा होता है, और विंग्स, या फिर एक और डायग्राम को देखकर राइट में विंग्स होते हैं, दैट हेल्प देम टू बी कैरिड अवे बाय द विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसकी मदद से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखेंगे, कॉटन, डैंडिलियन एंड मदार, सीड्स हैव टफ्ट ऑफ हेयर अराउंड देम, ये कुछ वो सीड्स है जिनके ऊपर हेयर बहुत सारे पाए जाते हैं। हिप्टेंज, मैपल एंड सियामो, ये वो सीड है जिनके ऊपर विंग्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट आपके पास है वाटर के बारे में। वाटर हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड ऑफ प्लांट लिविंग इन वाटर और ए प्लेस नियर इट, वाटर आपको हेल्प करता है सीड को डिस्पर्स करने में जो या तो वाटर के पास में हो या वो प्लांट जो पानी में ही उगते हों। द लोटस फ्रूट, जो लोटस होता है उसका जो फ्रूट होता है स्पॉन्जी पार्ट, उसका जो स्पॉन्जी बहुत सॉफ्ट के स्पंज वाला पार्ट होता है, एंड ए कोकोनट हैज ए थिक फाइब्रस कोट, जबकि कोकोनट नारियल एक बहुत कड़क होता है, फाइब्रस कोट होता है उसके ऊपर। दिस स्पेशल पार्ट इनेबल द लोटस फ्रूट एंड द कोकोनट टू फ्लोट ऑन वाटर, इन्हीं पार्ट्स की वजह से कोकोनट प्लांट का और लोटस प्लांट का जो फ्रूट है वो आसानी से उनके सीड जो है फ्लोट कर लेते हैं पानी के ऊपर। सो व्हेन ए कोकोनट फॉल्स फ्रॉम ए ट्री, तो जब भी एक कोकोनट ट्री से गिरता है इनटू वाटर, इट फ्लोट्स ऑन वाटर एंड ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस, वो पानी में गिरने के बाद बहुत दूर दूर तक जा सकता है तैरकर। फिर हमारे पास एनिमल्स, एनिमल्स पढ़ेंगे हम। सीड्स आर ऑल्सो डिस्पर्स बाय बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन, सीड जो होते हैं वो बर्ड्स से, एनिमल्स और ह्यूमन से भी डिस्पर्स हो सकते हैं। ह्यूमन्स एंड एनिमल ईट जूसी फ्रेशी फ्रूट्स, हम लोग बहुत सारे फ्रेशी फ्रूट्स को खाते हैं, जैसे मैंगो, एप्पल, वाटरमेलन, एंड थ्रो अवे देयर सीड्स, और उनके बीजों को बाहर फेंक देते हैं। सीड्स ऑफ प्लांट लाइक ज़ैंथियम, टाइगर नेल एंड स्पीयर ग्रास हैव हुक्स और स्पाइंस, देख पा रहे हैं डायग्राम में, दे स्टिक टू द हेयरी स्किन ऑफ एनिमल, एनिमल की हेयरी स्किन से चिपक जाते हैं, और क्लोथ्स ऑफ ह्यूमन एंड कैरिड अवे, और फिर साथ में वो चले जाते हैं। सम सीड्स आर रिटर्न बाय बर्ड्स, कुछ सीड को बर्ड्स ईट कर लेती है या एनिमल ईट कर लेते हैं। द सीड कोट आर कोटेड सो दैट दे डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, जो सीड कोट होता है ना वो ऐसा होता है कि उसके अंदर का सीड बर्बाद खत्म हो ही नहीं सकता, चाहे कोई उसको खा भी ले तो भी खत्म नहीं होगा। सो व्हेन बर्ड्स एंड एनिमल्स स्वेलो देम, तो जब बर्ड्स एनिमल्स को निगल लेते हैं, दे कम आउट अनहार्म इन देयर वेस्ट, उनके बॉडी के वेस्ट के रूप में वो ऐसे कैसे बाहर आ जाते हैं। द सीड्स आर डिस्पर्स टू अदर प्लेसेस, और इसी तरह से आपके सीड दूसरी जगह पर चले जाते हैं। समझ पा रहे हैं? फिर एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, क्या मतलब?
सीड्स का फूटना, फ्रूट का फूटना, सम प्लांट्स बस्ट ओपन और एक्सप्लोड व्हेन दे बिकम ड्राई, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जब वो सूख जाते हैं ना वो फूट हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं। द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प द सीड टू स्कैटर अवे, और इसी फूटने की वजह से उनके बीज जो है सीड दूर दूर तक फैल जाते हैं। द डिस्पर्जन ऑफ पी ग्रेनियम बल्सम सीड्स टेक प्लेस बाय एक्सप्लोजन, ये कुछ एग्जाम्पल है जिनके एक्सप्लोजन की मदद से होता है। आपको सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, आगे अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।